Subscribe Adda 24/7 and press the bell icon. LIC असिस्टेंट प्री एग्जामिनेशन के बाद अब बारी है मेंस की, तो क्या आप तैयार हैं? तो हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए LIC असिस्टेंट मेंस 2019 के लिए क्रैश कोर्स, जिसमें आपको मिलेंगे 75 प्लस आवर्स की लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस, टॉपिक वाइज टेस्ट्स एंड 100 प्लस प्रैक्टिस सेट्स ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द करंट पैटर्न। PDF ऑफ ऑल क्लासेस, ऑल कॉन्सेप्ट एंड अप्रोचेस विल बी कवर्ड। तो आज ही ज्वाइन करें इस बैच को। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और हम जुड़ चुके हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूजा जुड़ चुकी है, स्वाति, कुमार अंकित, संजय शर्मा, अविनाश भास्कर, अनूप श्रीवास्तव, पूजा रावत, कुमार अंकित, संजेश, प्रिया शर्मा, अनूप श्रीवास्तव, सब लोगों का बहुत सारा स्वागत है। तो क्या आप लोग मेंस लेवल के लिए तैयार हो? तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में करके बताओ। लबन्या राय जल्दी से बताओ, राय मनीष जल्दी से बताइए, आर यू गाइज रेडी? क्या आप लोग तैयार हैं? और अगर तैयार हैं तो फटाफट से लिखो रेडी रेडी रेडी। फिर अपन लोग अपने सेशन के साथ शुरू करने वाले हैं। आज के सेशन में ज़रूर मज़ा आने वाली है, आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाली है आज के सेशन में। चलो, मेंस लेवल है। अच्छा, और साथ में ये भी बताना रेडी, और साथ में चूंकि हमने आप लोगों के थंबनेल में लिखा हुआ मेंस लेवल, तो क्या मेंस लेवल के लिए तैयार है ये जरूर बताइएगा। और जो जो स्टूडेंट्स मेंस वाले आज जुड़े हुए हमारे साथ, कमेंट करके फटाफट से बताइए यस मेंस वाले हैं। तो फटाफट से देखें आप लोगों का लेवल क्या है। अगर ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो हम यूँ कह सकते हैं इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ये लो, आई प्रोमिस यू, अगर आपने ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लिए तो एग्जाम में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो मेंस वाले स्टूडेंट फटाफट से यहाँ पर ये लिखते रहेंगे मेंस मेंस मेंस, और ईमानदारी वाला मेंस लिखना, जिससे हमें आइडिया रहे कि यहाँ पर मेंस लेवल वाला कौन कौन सा स्टूडेंट है। ठीक है, यस तो लिखना है, साथ में ये भी लिखना है मेंस वाला कौन कौन सा है। तो लिखा हुआ है एवरी डे इज अ न्यू बिगनिंग, टेक अ डीप ब्रेथ एंड स्टार्ट अगेन। ध्यान से सुनना इस बात को, बहुत ही मेंस वाले हैं। मैम निखिल ठाकुर, चलो बहुत बढ़िया, जितने भी स्टूडेंट्स हैं ऐसे वो लिखते रहेंगे मेंस वाले हैं। रिया शाह भी मेंस वाली हैं, ओके, देवाशीष मेंस वाले हैं, और कृतिका मेंस वाले हैं, और राय मनीष मेंस वाले हैं, कृतिका जैन, नम्रता टी, नम्रता तो मेंस वाली हो या नहीं हो, तुम तो मेंस क्वालिफाइड थी, मेंस ओके, मेंस सुनीता है, लाबन्या है, निखिल हैं, और कृतिका जैन है, जल्दी जल्दी से लिखो, विशाल ओके, मेंस 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 लिखे, ओके, अर्चना मेंस हैं, बहुत जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं सब मेंस वाले ही हैं। कृष्णा कब लाइव क्लास चलती है? 10 बजे लाइव क्लास चलती है। सुनीता यादव भी मेंस वाले हैं, युक्ति मौर्य मेंस वाले। तो यानी मेरे सारे स्टूडेंट जो उस टाइम जुड़ते हैं इनका क्लास है, यूँ कहे तो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं। एक इन्होंने स्टेज पार कर लिए, दूसरे स्टेज की तैयारी कर रहे हैं, तो अब हमारे लिए भी कुछ बनता है, बस आप लोग 20 तारीख तक की इंतज़ार करेंगे, उसके बाद हम अपना शुरू कर देंगे। डेली बेसिस पर आप लोगों को क्वेश्चंस प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे हाई लेवल के, जो आप लोगों को PDF देंगे, हम आप एक टेलीग्राम ग्रुप बना लेंगे अपना, जिसमें हम आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, बिल्कुल परेशान नहीं होना, हर एक चीज़ हम करेंगे। ठीक है, आई एम डिज़ाइनर इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वर्किंग विद प्राइवेट सेक्टर चांद आलम, ओके ओके ठीक है। तो ये बताओ मेंस हो कि नहीं हो? चित्रंजन दास भी मेंस वाले हैं, सुनील भी मेंस वाले हैं, मेजॉरिटी हम यूँ कहें सब मेरे मेंस वाले स्टूडेंट हैं। तो एवरी डे इज़ अ न्यू बिगनिंग, अभी तक अगर मेंस की तैयारी नहीं करी नेवर माइंड, आज से सीरियस हो जाना है, डेली स्पीड टेस्ट देना है, रीडिंग करनी, और इंग्लिश के लिए ये सेशन देखना ज़रूरी है, क्योंकि न्यू पैटर्न से रूबरू करवाना मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। चलो अब बढ़ते हैं SO की क्लास। संजेश आज ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिच वहाँ आज क्लास नहीं हो पाई थी, 4:15 वाली यानी 3:45 वाली, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज। ठीक है, चलो मैम, हाउ टू वॉच प्रीवियस लाइव वीडियोस ऑफ दिस क्लास? IBPS PO मेंस, IBPS PO मेंस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाके प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, IBPS PO प्री वाली भी देख लेना और मेंस वाली भी देख लेना, तो इसमें हमने जो भी क्वेश्चंस करवाए हैं दैट विल गोइंग टू हेल्प यू। ठीक, चलो मेंस वाले मोनिका चौधरी भी, आई एम ऑल्सो फॉर मेंस, प्रिया भी मेंस वाली है, रोहित कुमार भी मेंस वाले। तो अब शुरू करते हैं, आज मज़ा आने वाला है सेशन में। पहले सबको जोड़ दो यार, बिलीव मी, आज तुम लोग पहले देखो क्या हम करवाएंगे, फिर हम क्या करवाएंगे, मज़ा आ जाएगा सेक्शन तुम लोगों को आज के सेशन में। अरे यार, जल्दी से टेक्निकल टीम 30 सेकंड्स का टाइमर लगा दीजिए, 30 सेकंड्स का टाइमर लगा दीजिए, आज आप लोगों को मज़ा आने वाला है, बस जोड़ते रहो और सेशन के लास्ट तक की आज बने रहना, सेशन के लास्ट तक की प्लीज़ बने रहना। टेक्निकल टीम 30 सेकंड्स का टाइमर फॉर दिस क्वेश्चन।
टेक्निकल टीम टाइमर, ठीक है। नहीं यार, वीडियोस प्राइवेट कैसे हो सकती हैं यार? चलो एक बार हम चेक करते हैं जिस बात को, आई विल कंसिडर। बोथ बोथ क्या लिख रहे हो हैं? ये क्या लिख रहे हो बोथ? और क्या ये क्या लिख रहे हो बोथ? बोथ क्या लिख रहे हो ये बताओ जरा, बुद्धि खोल के बैठे हो या सो रहे हो? ऐसे लिखो, हाँ वन वन होगा। कमाल का गजब परफॉर्मेंस दे रहा हो, मजा आ गया परफॉर्मेंस देखने के बाद। सेकंड होगा, फोर्थ होगा, फर्स्ट होगा। मैम नो नीड ऑफ टाइमर, ओके। अरे कमाल कर दिया है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वन होगा। हाँ पहला क्वेश्चन, अभी तुम लोग आज लास्ट तक ही जुड़े रहना, आज मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ दो यार, मजा आने वाली। अभी गजब का आसान क्वेश्चन है, गजब का आसान क्वेश्चन है। अभी लास्ट तक की जुड़े रहना, सुनते रहना आज मेरी बात को, फटा लास्ट तक की जुड़े रहना। अरे प्यारे बच्चों, कैसी बातें कर रहे हो, कैसी बातें, कहाँ सो कहाँ रहे हो, ये वन ऑन कहाँ से आंसर बता रहे हो हैं? चलो टेक्निकल टीम हमें स्क्रीन पर रखो प्लीज। देखो यार, पहली बात यहाँ पर ये है कि पहला वाला वाक्य भी एकदम व्यर्थ बकवास लिखा हुआ है, और दूसरा वाला सेंटेंस भी एकदम बकवास लिखा हुआ है। दोनों में ही गलती है, गॉट इट? इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में, दोनों में गलती है। अब समझो क्या गलती है। आज तुम लोग लास्ट तक की जुड़े रहना, मजा आएगी। अभी टाउन्स आफ्टर टाउन्स नहीं होता है, पहला रूल यहाँ पर हम ये सीखने जा रहे हैं। नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन, ठीक है। जो नाउन होता है वो क्या होता है, हमेशा सिंगुलर होता है। जो नाउन होता है वो हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। नाउन क्या होता है, हमेशा सिंगुलर होता है। और अब जल्दी, नाउन क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो यहाँ पर टाउन्स आफ्टर टाउन्स नहीं होगा, टाउन आफ्टर टाउन होता है। दूसरी चीज़ हमेशा ये भी ध्यान रखना है, अगर हमने बोला नाउन और नाउन, ये भी ध्यान रखना है दोनों तरफ जो नाउन होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। दोनों तरफ जो नाउन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। गॉट इट? यहाँ पर टाउन लिखा था, यहाँ पर भी टाउन लिखा था, सेम है, और हमने क्या कहा, दोनों को सिंगुलर होना चाहिए। अब बताओ सेंटेंस सही है या गलत है, जल्दी से। अगर हमने बोला टाउन आफ्टर टाउन वॉज कॉन्कर्ड, वॉज नहीं, वर्ब नहीं होगा, यहाँ पर वॉज होगा, क्योंकि इनके साथ में जो क्रिया लगती है, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू यूज वर्ब दैट शुड बी इन सिंगुलर फॉर्म। जो वर्ब होनी चाहिए वो जिदिया की किस में होनी चाहिए, सिंगुलर फॉर्म में होनी चाहिए। यहाँ पर वर्ब नहीं होगा, यहाँ पर क्या होना चाहिए, वॉज कॉन्कर्ड बाय हिम बट ही फाउंड नो पीस। नेक्स्ट लिखा हुआ है, फॉर किंडरगार्टन चिल्ड्रन ड्राइंग बाय क्रेयॉन इज ऑलवेज, किसके लिए, जो चिल्ड्रन है, ड्राइंग बाय किससे, क्रेयॉन कलर से, इज ऑलवेज मोर प्रेफरेबल टू स्केच पेन्स, जो स्केच पेन्स है उसके कंपैरिजन में जो क्रेयॉन्स होते हैं वो बच्चों को पसंद आता है। गजब लिखा हुआ है, ये भी गलत है। यहाँ पर प्रेफरेबल के पहले वी आर नेवर एवर सपोज टू यूज मोर एंड मोस्ट बिफोर प्रेफरेबल। प्रेफरेबल के पहले हमारे स्टूडेंट्स मोर और मोस्ट कभी लगाना नहीं सीखे हैं। ध्यान रखना दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल ये है, मोर और मोस्ट के साथ में हम कभी, प्रेफरेबल के साथ में हम कभी भी, या प्रेफर हो या प्रेफरेबल हो, इनके साथ में हम मोर और मोस्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। मोर और मोस्ट का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, इज इट क्लियर? हम कभी भी किसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, प्रेफर का या प्रेफरेबल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। दूसरी चीज़ हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पर टू लगा हुआ है, तो क्या हम ये कह सकते हैं यहाँ पर दैन होगा, कभी नहीं होगा। हम ये कभी नहीं कह सकते, क्रेयॉन्स इज ऑलवेज प्रेफरेबल दैन स्केच पेन, दैन नहीं होगा, क्योंकि प्रेफर या प्रेफरेबल जिद आया हुआ है, पूरी इंग्लिश में जिद आया हुआ है, और इसका मानना यह है कि हम अपने साथ हमेशा और हमेशा क्या लेंगे, टू लेंगे। इसके साथ हमेशा क्या लगेगा, टू का इस्तेमाल होगा, हम कभी भी दैन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। इज इट क्लियर? आई बात समझ में कि नहीं आई? समझ में आ गई, कभी भी इसके साथ क्या नहीं लगेगा, दैन नहीं लगता है, और प्रेफरेबल के पहले कभी भी मोर का इस्तेमाल नहीं होता है। गॉट इट? जैसे हमने यहाँ पर बोला होता पेजेस आफ्टर पेजेस, तो पेजेस आफ्टर पेजेस हो सकता था, नहीं हो सकता था, पेज आफ्टर पेज होता। अगर हमने बोला कंट्रीज आफ्टर कंट्रीज वर कमिंग टू परफॉर्म ऑन द स्टेज, कंट्रीज आफ्टर कंट्रीज वर कमिंग टू परफॉर्म ऑन द स्टेज, गजब का गलत है। कंट्री आफ्टर कंट्री वॉज कमिंग होगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? चलो भैया मजा आ गया होगा, आई होप सो। बोथ आर इनकरेक्ट यहाँ पर आंसर। टेक्निकल थी मुझे स्क्रीन पर रखो प्लीज।
ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलो अभी तो तुम लोगों को मजा आने वाला है आज के सेशन में, बिलीव मी, लास्ट तक की जुड़े रहना। अभी जल्दी जल्दी स्टूडेंट्स को जोड़ दो। अब बताओ यहाँ पर टेक्निकल टीम टाइमर के साथ में, टेक्निकल टीम फटाफट से टाइमर दे दिए। जगल पौधी गायत्री, क्लियर। तुम क्या सुबह की क्लास में थी जगल गायत्री? क्या तुमने सुबह वाली क्लास करी थी, अल्टीमेट वाली? जल्दी से कमेंट करके बताना, ठीक है? ज़्यादा सारे कमेंट कर देना जिसमें हमको दिख जाए। क्या तुम वही वाली स्टूडेंट हो? और आंसर आना शुरू हो गया, सी होगा। बहुत बढ़िया आंसर देने के बाद हमें बहुत खुशी हो रही है कि तुम लोग आंसर बहुत बढ़िया दे रहे हो। मज़ा आने वाला है आज के सेशन में। देखो मैं बार बार बोल रही हूँ, मज़ा आने वाला है। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू सिलेबस द नंबर ऑफ कॉलेज रिपोर्टिंग हाई रिजल्ट आर डिक्रीजिंग ईयर आफ्टर ईयर। ये तो ये सही लिखा हुआ है बिल्कुल। विद द इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन किसका? न्यू सिलेबस का। न्यू सिलेबस जो आ गया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, द नंबर ऑफ कॉलेजेस रिपोर्टिंग हाई रिजल्ट्स, रिपोर्टिंग मतलब जो हाई रिजल्ट, अच्छे रिजल्ट नहीं जा रहे हैं, अच्छे रिजल्ट नहीं जा रहे आर डिक्रीजिंग ईयर आफ्टर ईयर। अब क्या हो रहा है विद द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू सिलेबस की वजह से हुआ क्या है, द नंबर ऑफ कॉलेजेस जो हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं, क्या रिपोर्ट कर रहे हैं, जो अच्छे रिजल्ट हैं, जो पहले रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे जाते थे, अब ऐसा नहीं हो रहा, आर डिक्रीजिंग ईयर आफ्टर ईयर। देखो हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है द नंबर ऑफ, ठीक है, ध्यान से सुनना। अगर हमने आपसे सेंटेंस बोला है द नंबर ऑफ, ठीक है, क्या बोला है हमने, द नंबर ऑफ के साथ में जो वर्ब आती है, नाउन तो हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है, जो नाउन होता है वो हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है, परंतु जो वर्ब होती है वो हमेशा क्या होती है, सिंगुलर होती है। वर्ब क्या होती है, सिंगुलर होती है। अब ज़रा ये बताओ द नंबर ऑफ के लिए वर्ब कौन सी लगी हुई है, जल्दी से बताओ द नंबर ऑफ के लिए वर्ब कौन सी लगी हुई है, फटाफट से बताओ। जल्दी से बताओ यहाँ पर। चलो अब देखो, समझना मेरी बात, यहाँ पर लिखा हुआ है द नंबर ऑफ, ठीक है, द नंबर ऑफ लिखा हुआ है। व्हेन एवर यू सी द नंबर ऑफ, इसके साथ जो वर्ब आनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए स्टूडेंट्स, क्या होनी चाहिए, जल्दी से बताओ, सिंगुलर होनी चाहिए। द नंबर ऑफ कॉलेजेस, बिल्कुल सही लिखा है, द नंबर ऑफ कॉलेजेस रिपोर्टिंग हाई रिजल्ट्स आर, क्या हो रहा है, आर नहीं होगा, वर्ब क्या होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। क्या हो रही है, इज डिक्रीज, घट रहे हैं साल, ईयर आफ्टर ईयर, ठीक। अच्छा अब यहाँ पर हमने दूसरा रूल लिखा हुआ है जो कि कहता है आ नंबर ऑफ, अगर आ नंबर ऑफ आता है तो नाउन प्लूरल होता है, नाउन क्या होता है, प्लूरल होता है, और वर्ब क्या होता है, वो भी क्या होता है, प्लूरल। यहाँ पर द नंबर ऑफ लिखा हुआ है, ध्यान से देख लो, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आ नंबर ऑफ लिखा हुआ है, ठीक है, दोनों रूल समझ में आ गया होगा। आज तुम लोगों को सेशन में बज आने वाला है, बस जुड़े रहना, ठीक है। अगर आ नंबर ऑफ आता है या अ लार्ज नंबर ऑफ आता है, अ लार्ज नंबर ऑफ आता है, ठीक है, या लार्ज नंबर्स ऑफ आता है, ध्यान से देख लो इन सारे फ्रेजेस को, या लार्ज नंबर ऑफ आता है, ठीक है, इन सब के साथ में हमें यही रूल फॉलो करना होता है, नाउन प्लूरल और वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी। आज तुम लोगों को मज़ा आने वाला है, आई होप तुम लोग अभी जुड़े रहना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ दो यार, प्लीज़ सेशन को शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ठीक है। अभी तुम लोगों को आगे बढ़ा जाए, समझ में आ गया, बेइंतहा समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो भाई साहब अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बात करते हैं, और ये स्क्रीन पर रहा नेक्स्ट क्वेश्चन टेक्निकल टीम टाइमर के साथ में। हाँ इज हो जाएगा वहां पर, नीतीश थैंक यू। चलो समय खत्म हो गया, मजा आने वाला है आज के सेशन में तुम लोगों को। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है,
One of the foremost belief among the Hindus is that karma affects their life after death. अब यहाँ पर देखो one of the के बाद पहले तुम लोग सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ दो यार. वन ऑफ द के बाद जो नाउन होता है वो क्या होता है? प्लूरल होता है. और जो वर्ब होता है वो क्या होता है? जल्दी से बताओ क्या होता है? वर्ब सिंगुलर होता है. ठीक है, वर्ब क्या होता है? सिंगुलर होता है. यहाँ पर लिखा है वन ऑफ द फर्मेस्ट, ये एडजेक्टिव लगा हुआ है, बहुत बढ़िया. यहाँ पर बिलीव क्या है? नाउन है. और बिलीव्स जब वीई आता है तो वो क्या होता है? वर्ब होता है. ये नाउन है, नाउन क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए. इसलिए हम यहाँ पर क्या कर देंगे? बिलीव्स कर देंगे. अमंग द हिंदूज इज वर्ब क्या दी गई है? सिंगुलर दिया गया है. यहाँ पर जो एरर है वो पार्ट ए में एरर है. गॉट इट? इतनी बात समझ में आ गई तो बढ़ाओ, आगे बढ़ा जाए, बढ़े आगे. चलो भैया अब हुई है पार्टी शुरू. अभी तो तुम लोगों को जो दिया था ना, इस चक्कर में बिना रहना कभी इतना आसान पेपर में आएगा. समझे कि नहीं समझे? अभी तो पार्टी शुरू हुई और अब तुम लोग सुन लो भैया, जल्दी जल्दी सेशन को शुरू करो. और अब बात ये है कि अब जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब पार्टी शुरू हुई है. और ये रहा पहला क्वेश्चन. अभी तुम लोग लास्ट तक की जुड़े रहना, मजा ना आए तो पैसा वापस, पूरा पैसा वापस. ठीक है, तो पहले ये क्वेश्चन पढ़ना है आप लोगों को, मजा आने वाली आज के सेशन में, बिलीव मी. चलो टेक्निकल टीम 40 कभी भी, जो हमने पहले क्वेश्चंस करवाए ना, जो मेंस लेवल लिखा है ना थंबनेल पर, मेंस ही लेवल तुम लोगों को मिलेगा. अब टेक्निकल टीम लगाइए 40 सेकंड्स का टाइमर. ठीक है, चलो चलो जल्दी से लगाइए टेक्निकल टीम 40 सेकंड्स का टाइमर. Yes, that was warm up. ओके गायत्री, चलो अब देखो मजा आने वाला है. ठीक है, क्या आप लोग तैयार हैं? क्या लिखा हुआ रहमत आलम ने, क्या ट्रेनिंग 25th to 30th November तक होगा, उसे अटेंड करना जरूरी है या नहीं है? देखो उसको जरूरी नहीं होता, जब आप फॉर्म भरते हो ना तभी स्पेसिफाइड कर दिया करो कि हमें नहीं करनी है. अगर वहां पर आपने लिखा हुआ है करना तो आपको कोशिश करनी चाहिए, कर लेना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के पास जब वो फॉर्मेट जाता है ना इंटरव्यूअर, तो एक उससे एक खराब इंप्रेशन पड़ता है कि देखो यहाँ पर लिखा था, ये सिंसियर नहीं है. अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो मत करो, अगर कोई परेशानी नहीं है तो कर लो. ठीक है, चलो अब बात पैराग्राफ पढ़ लिया, अब ऑप्शंस में मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, घबराना नहीं है. अब ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने प्रस्तुत है. टेक्निकल टीम लगाइए इन लोगों के लिए 1 मिनट का टाइमर. 1 मिनट के भीतर अगर तुम लोगों ने नहीं करा तो तुम लोग सोच लेना. 1 मिनट.
जल्दी जल्दी से आंसर दो, क्या होना चाहिए यहाँ पर। चलो समय खत्म हो गया, बहुत मजा आ रहा है गलत आंसर्स देखने के बाद, मजा आ रहा है, लगातार गलत आंसर्स की बौछार आ रही है और फिर मेंस में जाके कहोगे मैडम पेपर वाज वेरी डिफिकल्ट, वी वर नॉट एबल टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस गिवन इन द एग्जामिनेशन। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, मेंटेन द साइकोलॉजी, अभी से ये बना के चलो इस तरीके क्वेश्चन आएंगे, इसके लिए रीडिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। जो कह रहे हैं लगातार काम करने के लिए, तीन काम करने हैं अगर सिलेक्शन चाहिए इस बार, समय पर्याप्त है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, डेली रीडिंग करनी है, दुनिया इधर से इधर हो, इधर से नहीं उधर हो जाए, इधर से उधर हो जाए। दूसरा काम क्या करना है, स्पीड टेस्ट देना है, जहां से मर्जी हो वहां से दो, मगर देना है, मॉक टेस्ट देना है, जहां से मन हो वहां से दो, देना ही देना है। और दूसरा काम ये है हर एक दिन ये सेशन ज्वाइन करना है, बहुत जल्दी हम आप लोगों को डेली क्वेश्चंस देंगे जो एग्जाम में उसी तरीके के, जिस लेवल के एग्जाम में आएंगे उसी तरीके से हम आपको पूरा सेट बना के भी देने वाले हैं। टेलीग्राम पे एक चैनल बनाने वाले जहां पर आप सब लोगों को क्वेश्चंस देंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है। अब मुद्दे की बात मेरी ये थी, क्वेश्चन वॉज नॉट वेरी डिफिकल्ट बट द वर्ड्स गिवन ओवर हियर, यहाँ पर जो ये ऑप्शंस दिए गए थे ये हमें समझ में नहीं आ रहे थे, इसलिए हमारा ये क्वेश्चन हुआ नहीं, है ना। ऐसे ही आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, इसलिए नहीं हो पा रहा था क्योंकि हमें आदो का मतलब ही नहीं मालूम है। इसका मतलब ये, वोकैबुलरी प्लेज अ वाइटल रोल इन योर एग्जामिनेशन। अगर हम फिलिपिंग की पहले मतलब लिख देते हैं थोड़ा सा आसान हो जाएगा, इसका मतलब होता है एक्सप्रेस एंगर, एक्सप्रेस क्या करना, एंगर करना, ठीक है। पॉन्डरिंग का मतलब होता है थिंक केयरफुली, सोचना, थिंक केयरफुली, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। स्टॉलिंग का मतलब होता है किसी चीज को रोकना, ऑब्स्ट्रक्ट करना, अब करने की कोशिश करते रहो, आप लोग बराबर करने की कोशिश करते, टेक्निकल टीम हमें स्क्रीन से हटा दीजिए आप, ऑब्स्ट्रक्ट करना या इंटरप्ट करना, ठीक है। इसी तरीके क्वेश्चन एग्जाम में बेटा देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है डिफाइलिंग, डिफाइलिंग का मतलब होता है किसी चीज को स्पॉइल कर देना या हम कह दें किसी चीज को अशुद्ध कर देना, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और इसका मतलब फोमेंट का मतलब जो होता है वो होता है इंस्टिगेट करना, ठीक है, इंस्टिगेट करना या स्टेर अप करना, ठीक है। अब बताओ यहां पर लिखा हुआ है, अगर ये वाले ऑप्शंस की अगर बात करोगे तो पहला वाला देखो इससे सॉल्व करो, व्हाइल मेनी क्लाइमेट एक्सपर्ट्स कैन नॉट ड्रॉ अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन डैश हरिकेन, इसका मतलब पता है क्या होता है, तूफान होता है, ठीक है, तूफान होता है इसका मतलब, ठीक। While many climate experts cannot draw a direct link between express anger हो सकता है, between think carefully हो सकता है, नहीं मतलब यहाँ पर हमने क्रॉस लगा दिया, हो सकता है नहीं हो सकता है, defoiling मतलब between spoil hurricanes नहीं हो सकता है। अगर अब हमने बात करी stalling की और हमने बात करी foment की, तो foment का मतलब हमने आपको बता दिया क्या होता है, instigate करना, और हमने आप लोगों को stalling का मतलब बता दिया है रोकना या obstruct करना या क्या करना, interrupt करना। तो कहता है while many climate experts cannot draw a direct link between, रोकने की बात करी गई है, रोकना ऑब्स्ट्रक्ट या इंटरप्ट करना क्या चीज, तूफान को एंड ग्लोबल वार्मिंग को, ठीक है। व्हाइल मेनी क्लाइमेट एक्सपर्ट्स कैन नॉट ड्रॉ अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन, किसको, ऑब्स्ट्रक्ट रोक नहीं पाते हैं किसको, तूफान को और ग्लोबल वार्मिंग को, दे डू सो इट फिट्स विद सम ऑफ द चेंजेस टू लार्ज स्केल हेमिस्फेरिकल वेदर पैटर्न्स दैट कुड बी ड्राइवन बाय ग्लोबल वार्मिंग, यहाँ पर बिल्कुल सही बैठ रहा है। लिखा है TRS वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामा राव हैज ब्लेम द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर ऑब्स्ट्रक्टिंग या रोकने के लिए किस चीज को, ऑफ डेवलपमेंटल वर्क्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टॉलिंग इज योर राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, स्टॉलिंग। क्या कहता है, TRS वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामा रॉय हैज ब्लेम, उन्होंने इल्जाम लगाया किसके ऊपर, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, फॉर रोकने के लिए, क्या रोकने के लिए, डेवलपमेंटल वर्क इन कहां पर, सिकंदराबाद कैंटोनमेंट बोर्ड SCB एरिया। अब यहां पर भी लगा के देख लेते हैं, इंडियाज डीपनिंग स्लो डाउन हैज नाउ लेफ्ट द इकोनॉमी ऑन द वर्ज ऑफ, यानी कगार पर, किस कगार पर, इंडियाज जल्दी से बताओ यहां पर क्या होगा, इंडियाज डीपनिंग स्लो डाउन हैज लेफ्ट द इकोनॉमी ऑन द वर्ज ऑफ, बिल्कुल किस कगार पर है, एकदम रुक गई है, एकदम ठहर गई है। The latest estimates for GDP year growth, year on year growth in the April
जू अप्रैल जून पीरियड फॉर द स्लाइड, इसका मतलब पता है क्या होता है? स्लाइड का मतलब ये पास्ट फॉर्म लिखी हुई है, गिरावट, ठीक है? स्लाइड का मतलब पास्ट फॉर्म लिखी हुई है ये, स्लिड फॉर द फिफ्थ क्वार्टर टू 5%, ठीक है? अभी लास्ट तक के जुड़े रहना, एकदम मजा आने वाली है, ठीक है? अब ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, आराम से करो, टेक्निकल टीम वापस स्क्रीन पर हमें ला सकते हो इधर एडजस्ट करके, टेक्निकल टीम टाइमर लगा देना 40 सेकेंड्स का। अच्छा नहीं नहीं ठीक है ऐसे, हाँ हाँ ठीक है ऐसे, बहुत बढ़िया। सबसे पहले आंसर दिया प्रसन्ना, मैंने आंसर दिया है ओके। उसके बाद सचिन अग्रवाल ने गाना गाइए मैम आए हाय, दीपा कुमारी का मानना है नहीं आया, ललित बाग का मानना है टू होगा, ए होगा, ओके दीपा कुमारी कोशिश करो बेटा करने की, कोई बात नहीं ओके। ख्वाहिश टू टू बी 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 ओके। देखो थोड़ा ये कंपेरेटिवली ईजी है उस वाले क्वेश्चन से, क्योंकि वहां पर वर्ड मीनिंग का पूरा की पूरा खेल था, ठीक है? अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इंडियाज डीपनिंग स्लो डाउन हैज नाउ लेफ्ट द इकोनॉमी ऑन द वर्ज ऑफ, ऑन द वर्ज ऑफ, एकदम कगार पर है, एकदम ठहर गया है। द लेटेस्ट एस्टिमेट्स फॉर जीडीपी शो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन अप्रैल जून पीरियड स्लिड फ्रॉम द फिफ्थ स्ट्रेट क्वार्टर टू 5%। यहाँ पर जो मेजोरिटी आंसर दी है बिल्कुल सही आंसर दिया है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, द स्लोएस्ट पेस इन मोर देन 6 ईयर, जो कि बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है? आई बात समझ में? जो मेजोरिटी ने आंसर दिया कंपैरेटिवली इजी था, और बाकी जो ये सारे दिए गए आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट दिए गए, सारे के सारे क्या है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। यहाँ पर द स्लोवेस्ट पेज इन मोर देन 6 ईयर्स, यहाँ पर कहा क्या गया है समझ लो एक बार, द लेटेस्ट एस्टिमेट्स फॉर जीडीपी शो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन द अप्रैल जून पीरियड स्लिड फॉर फिफ्थ स्ट्रेट क्वार्टर टू 5%, द स्लोवेस्ट पेज मोर देन 6 ईयर, सबसे कम, द स्लोवेस्ट पेस इन मोर देन 6 सालों में सबसे कम की बात करी गई है, ठीक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, और बढ़िया मजा आने वाला है, अब आगे लास्ट तक के जुड़े रहना, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है? देखो यहाँ पर करना क्या है आप लोगों को, ये दिया गया है, अंडरलाइन दिया गया है, ये सेंटेंस करेक्शन इसे बोलते हैं, और करने की कोशिश करिए आप लोग। सबसे पहले आंसर देखिए कौन देगा, एसओ की क्लास नहीं हुई थी सोफिया नाज, आज टेक्निकल ग्लिच था। 30 सेकेंड्स का वापिस स्लाइड ली आया हूँ, हमको गिरावट, स्लिड का, स्लाइड का मतलब होता है गिरावट, और स्लिड इसका पास्ट फॉर्म है, स्नेहल श्याम कुमार। कोई बताएगा ये कैचिंग का है? ये तुम रोज कैचिंग क्यों लिखते हो पहले ये बताओ यार, सब छोड़ो, ये कैचिंग क्यों लिखते हो तुम, ये तुम कैचिंग क्यों लिखते हो, डेली तुम्हारा कमेंट आता है। ओके सेकंड होगा और प्रसन्ना कहते हैं टू होगा, सी होगा, ए होगा, ई होगा, सी होगा, डी होगा, ओके समय खत्म हो गया है। अर्चना कहती है सी होगा, बहुत बढ़िया, देखने के बाद मजा आ गया आप लोगों के गलत आंसर देखने के बाद। ये बताइए ये कैचिंग कहाँ है भैया, ये कैचिंग क्या लिखते हो, कोचिंग तुम पूछना चाहते हो, कैचिंग तो कैचम कैच जो खेलते हैं उसे कहते हैं, ठीक है? कोचिंग की बात करते हो तो ये यहाँ पर गुड़गांव में है, ठीक है? अब देखो ऑनलाइन पढ़ाते हैं गुड़गांव में हम लोग, और कैरियर पावर ये कोचिंग है, ठीक? अब लिखा हुआ है द क्रिकेटर whose record is exemplary, एकदम यूनिक है, बढ़िया है, आइडियल है, backed an 8-year endorsement contract with a sportswear giant. अब देखो भैया, what we have to do in this question, पूरा की पूरा ये underline है, हमको replace करना है। पहला यहाँ पर लिखा है what is difference between, अगर हमने लिखा है ये, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है who is या who has, इसका मतलब क्या होता है, who is और Who has, ठीक है? ये इसका contradiction form है, ये किस, इसका क्या है contradiction form है।
हाँ लिमिटलेस कहीं ना कहीं सही हो, डी होगा 100% श्योर। और प्रीतम तुमने बहुत बढ़िया आंसर दिया है, बहुत बढ़िया आंसर दिया है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। देखो यहां पर हमको कहना है द क्रिकेटर हुज रिकॉर्ड, जिसका रिकॉर्ड क्या है एग्जेम्पलरी है, बहुत बढ़िया है। तो क्या यहां पर यह कहना द क्रिकेट हु इज रिकॉर्ड, जो कि रिकॉर्ड है, नहीं, जिसका रिकॉर्ड जो है एकदम बढ़िया है, एकदम परफेक्ट है, एकदम क्या है यूनिक है। तो क्या किसी भी कीमत पर ये दोनों हो सकता था? नहीं हो सकता था, जिन्होंने कहा है बिल्कुल व्यर्थ कहा है। नेक्स्ट कहता है, ध्यान से सुनना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। अब मैडम सी वाला तो हो सकता था, तो हम भी कहेंगे बिल्कुल हो सकता था। यहां पर लिखा हुआ है 8 years, और इस बात का ध्यान रख लेना हमेशा, जैसे यहां पर लिखा हुआ 8 years, यहां पर ईयर्स नहीं होगा, यहां पर एस नहीं लगेगा। अब क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये कंपाउंड एडजेक्टिव है, ठीक है, समझना मेरी हर एक चीज को समझना, ये क्या है कंपाउंड एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव का, ये कंपाउंड एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव का कभी भी हम प्लूरल नहीं बनाते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, ये किसके लिए लगा हुआ है, 8 years किसके लिए लगा हुआ है, इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए लगा हुआ है, ठीक है। ये क्या है हमारा कंपाउंड एडजेक्टिव है, और कंपाउंड एडजेक्टिव का मानना ये होता है कि हमारा प्लूरल कभी नहीं बनेगा। क्या कभी भी आप ब्यूटिफुल गर्ल कह सकते हो? गर्ल अगर हमने आपसे बोला और इसके पहले आपने लिखा है ब्यूटीफुल, तो क्या ब्यूटीफुल्स कह सकते हो? क्या कभी किसी ने एडजेक्टिव का प्लूरल बनाया है? एडजेक्टिव का कभी भी प्लूरल हम नहीं बनाते हैं, ठीक है, एडजेक्टिव का प्लूरल बनाते कभी नहीं बनाते। तो यहां पर ईयर्स नहीं होगा, यहां पर ईयर होता तो बिल्कुल सही होता, ठीक है। ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव का हम कभी भी क्या नहीं बनाते हैं, प्लूरल नहीं बनाते हैं, ठीक है। और ये मेजॉरिटी को लग रहा होगा ये सही है, मेक श्योर यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन भी लिख दिया, आप लोगों को मिल जाएगी। हुज रिकॉर्ड इज एग्जेम्पलरी बैक्ड एन 8 year एंडोर्समेंट कॉन्ट्रैक्ट विद अ, किसके साथ में, स्पोर्ट्स वेयर जायंट के साथ में, स्पोर्ट्स वेयर कंपनी के साथ में। गॉट इट? इतनी बात समझ में आ गई, अब और मजा आने वाला आगे के क्वेश्चन में सॉर्ट आउट। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? नो करेक्शन रिक्वायर्ड इज योर राइट आंसर, कभी नहीं। चलो अच्छा, कृतिका सर कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम, ऑप्शन ए एंड बी में डिफरेंस बता दो। ऑप्शन ए और बी में तो कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पर, देखो यहाँ पर लिखा हुआ हु इज, और क्या लिखा हुआ, रिकॉर्ड इज एग्जेम्पलरी बैग 8 years। अच्छा अब यहाँ पर अगर हमने बात करी तो ग्रामेटिकली गलत लिखा हुआ है, 8 years तो हो ही गई नहीं बेटा, यहाँ पर 8 years हम नहीं कर सकते। और यहाँ पर जो एपोस्ट्रॉफी में दोनों में सिर्फ डिफरेंस है, दोनों ही इनफैक्ट गलत हैं, ठीक है, इसका हम बहुवचन बनाते नहीं है, हमने क्या बताया बहुवचन बनाते नहीं है। अगर आप इयर्स लिखते हो तो बस आपको ये ध्यान रखना है, जब एस का साउंड लास्ट में आता है तो हम एपोस्ट्रॉफी यहां पर लगाते हैं, ठीक है। एपोस्ट्रॉफी जैसे आसान से हम समझाए तो हम ये कह सकते हैं, जैसे आपको बोलना है विकास, क्या बोलना है, विकास, विकास का पेन बोलना है, तो यहां पर कैसे लिखोगे विकास का पेन? ये जो एपोस्ट्रॉफी होता है इसका मतलब क्या होता है, का की के, इसका मतलब क्या होता है, का की के, ठीक है, क्या होता है, काकी के, तो यहां पर विकास होगा। अगर आपको लिखना था मान लो किसका लिख देते हैं, यहां पर लिख देते कृतिका लिखना है तो क्या हो जाएगा, कृतिकाज पेन, ठीक है, वहां पर क्या लगेगा, अपोस्ट्रोफे एस लगेगा, ठीक है। कुमार लिखना है तो कुमार्स पेन, कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, आई होप तुम लोगों को इतनी बात समझ में आ गई होगी। कहने का तात्पर्य यह है, जब कभी भी वर्ड के लास्ट में सा का साउंड निकलता है तो जो हम एपोस्ट्रोफी लगाते हैं वो लास्ट में लगाते हैं, ठीक है, यहां पर दोबारा से एस का प्रयोग नहीं करेंगे। और दूसरी चीज ये है, जो योर्स की बात करते हैं, योर्स स्पेशली जब आप एप्लीकेशन में लिखते हो, दाएं बाएं आगे पीछे कहीं भी एपोस्ट्रोफे नहीं लगते हैं। योर्स कैसे लिखते हो, ऐसे लिखते हो, योर्स लिखते हो, फिर आप क्या लिखते हो, फेथफुली लिखते हो, फिर कॉमा लगाते हो। और हाँ, वन थिंग मोर एक चीज बता दे तुम लोगों को, जब लेटर लिखते हो तो बहुत से स्टूडेंट्स ने ऐसा क्वेश्चन पूछा कि जो मैम, चूंकि आप लोग सब लोग मेरे मेंस वाले यहाँ पर स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, तो किसी ने हमसे पूछा था कि जो मैम जो वर्ड्स होते हैं, हम जो ये एड्रेस होता है और ये लास्ट में योर्स फेथफुली लिखते हैं, एक्स वाई जी लिखते हैं, कुछ भी लिखते हो, जो भी वर्ड है हर एक वर्ड काउंट होता है। आई रिपीट माई थिंग, जब एप्लीकेशन जो आप लोगों को लेटर राइटिंग आएगा तो वहां पे स्टूडेंट्स का मानना है कि सिर्फ बॉडी काउंट होती है, यानी इंट्रो
बॉडी कंक्लूजन काउंट होता है या एड्रेस वगैरह जो ऊपर लिखते हो ना, सब्जेक्ट वगैरह वो भी काउंट होता है. तो एवरीथिंग इज इंक्लूडेड. आई बात समझ में? अगर ये सुन के अच्छा लगा हो तो फटाफट से लाइक कर दो, जल्दी जल्दी से लाइक कर दो. अगर ये चीज़ तुम लोगों को वैल्यूएबल लगी हो स्टूडेंट्स कि हर एक चीज़ को काउंट करते हैं, तो फटाफट से लाइक कर दो यार. विष्णु कहते हैं सब लोग शेयर और लाइक कर दो. ओके, फटाफट से यार लाइक कर दोगे तो हमें मोटिवेशन बहुत सारा मिल जाएगा. लाइक कर दो, जल्दी जल्दी से लाइक करोगे फिर हम आगे बढ़ जाएंगे. ठीक है मैम, हम नहीं है, कोई बात नहीं अर्चना, नेवर माइंड. जल्दी जल्दी से लाइक करने का फिर आगे बढ़ने का. चलो अब बढ़ते हैं. ये हमने आप लोगों के लिए एक्सप्लेनेशन लिख दिया है कंपाउंड नाउन और ये सब, जिससे मेरे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. अब यहाँ पर इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है. पहले क्वेश्चन पढ़ लो क्या करना है. देखो क्या लिखा हुआ है. शेरल मैम, अगर रिकॉर्ड के बाद वॉज होता तो और भी सही होता. रिकॉर्ड के बाद वॉज होता, कौन से वाला सेंटेंस में? अगर रिकॉर्ड, प्लीज सेंटेंस जल्दी से, खूब ज्यादा सेंटेंस भेज देना जिसमें हम पढ़ ले. देखो लिखा हुआ, इन द क्वेश्चन गिवन बिलो अ स्टेटमेंट इज गिवन विद टू ब्लैंक्स इन इट. इन इट फॉर ईच ब्लैंक थ्री ऑल्टरनेटिव आर प्रोवाइडेड इन कॉलम्स. चूज द ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग कॉलम दैट वुड फिट द गिवन ब्लैंक्स टू मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट एंड कॉन्टेक्चुअली मीनिंगफुल. ठीक, अब यहाँ पर लिखा हुआ है बेहतरीन तरीके से सॉल्व करना, बिल्कुल परेशान नहीं होना, आराम से सॉल्व करना, मगर गलत नहीं होना चाहिए. अभी आगे और मजा आने वाला है, आप लोगों को लास्ट तक की बने रहना है. अच्छा, अब यू कह टेक्निकल टीम टाइमर के साथ में करो, मजा आने वाला है तुम लोगों को. हाँ ललित ऑब्वियसली. भरत मारवा, प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन, हम पूरा एक्सप्लेन एग्जांपल्स के साथ में भी कर देंगे भरत. ठीक है, ठीक है. चलो, समय खत्म हो गया है. अब देखो मैम, देखने में प्रॉब्लम होती, थोड़ा जूम कर दो. अच्छा, नेक्स्ट टाइम से बड़ा बड़ा और लिख के लेके आएंगे. ठीक है, चलो, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज. ठीक, अब देखो यहाँ पर गजब की बात है. यहाँ पर कहते हो डी होगा, बी होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, सी एफ होगा. क्वेश्चन का पीडीएफ मिलेगा, मिलेगा आज पीडीएफ ही आप लोगों को मिलेगा और मजा आ जाएगा आप लोगों को. बिलीव मी, मजा आने वाला है, मजा जरूर आएगा आप लोगों को. ऐसी उम्मीद करते हैं हम, इस उम्मीद से सेशन बनाते हैं कि जरूर स्टूडेंट्स को मजा आए. जो भी मेरे मेंस वाले स्टूडेंट देख रहे हैं, जब एग्जाम देने जाए तो आप लोगों को मजा आए. जल्दी हम आप लोगों को क्वेश्चंस प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना है. ठीक है, मगर डेली आप लोगों को भी प्रॉमिस करनी है, डेली स्पीड टेस्ट देना. जितनी हम मेहनत करेंगे उतनी आपको भी मेहनत करनी है. डेली स्पीड टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट देना है, जहां से मन हो वहां से देना. अड्डा 24/7 बहुत बेहतरीन ऑप्शन है, आप वहां से देख ले सकते हो. क्विज और ऑफर भी चल रहा है, उसका पूरा फायदा भी उठा सकते हो. ठीक है, वर्ड मीनिंग कहाँ से याद करें मैम मेंस के लिए? सौरभ सही बताए, कहाँ से याद करो, एक चीज़ कर लो बस, भरोसा करके मेरे ऊपर मेंस के एग्जाम तक की. जब रीडिंग करोगे ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आएंगे जो समझ में नहीं आएंगे. ठीक है, उन वर्ड्स को उठा के आप पढ़ना शुरू करिए. और ऐसा नहीं करना है कि भैया कहाँ से पढ़े, तो हम तो यही कह देंगे भैया डिक्शनरी उठा लो और वहाँ से पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि डिक्शनरी के बाहर से कुछ हो नहीं आता है. बट क्या लिटरली ये मेरे लिए पॉसिबल है कि हम डिक्शनरी उठाए और डिक्शनरी उठा के पढ़ने लगे? नहीं पॉसिबल है. ठीक है, पहला पॉइंट ये है. अगर हम आपसे ये कहते हैं डिक्शनरी में जितने वर्ड दिए गए पढ़ लो यार, इसके बाहर से कहाँ कुछ आता है, कुछ नहीं आता है. But it is not literally possible for us. What we can do is start reading newspaper, and what you will going to do ahead, जो भी words which you are not able to understand, just you have to find out, Google search करो और उसको diary में लिख लो. हफ्ते भर काम करोगे, 40 दिन, एक महीना ये काम कर लिया ना, भरोसा करो repeated words आते हैं, कभी reading में दिक्कत नहीं होगी. exam में अगर आपको meaning नहीं पता होगी तब भी आप question solve कर सकते हैं, क्योंकि आपकी reading की इतनी बेहतरीन तरीके से आदत हो चुकी होगी. एक बार ये काम कर लो. अट 27 के mock बहुत difficult होते हैं, difficult नहीं होते हैं, exam के जो level के बेटा आते हैं ना वो वही होते हैं. और फिर exam में जाके हम कहते हैं
कट ऑफ बहुत कम जाएगी क्योंकि पेपर में हम लोग कर ही नहीं पाते हैं, है ना। तो इसलिए आप लोगों को बस स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, रीडिंग करनी है, एग्जाम तक कितना कहना मान लो यार, और फिर तुम लोग जितनी कहोगे मैम इतने क्वेश्चंस दे दो, हम डेली बना बना के क्वेश्चंस देंगे एग्जाम तक के, सिर्फ 29 नवंबर तक कितनी मेहनत करनी है, रीडिंग करनी है, मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा देना है, और इंग्लिश के लिए अगर ये सेशन आप लोगों को लगता है मीनिंगफुल तो जरूर कर लिया करो, जरूर देख लिया करो, अपने ऊपर और मेरे ऊपर एहसान कर दिया करो, ठीक है। जगल पौडी गायत्री, गायत्री व्हाट अबाउट डिस्क्रिप्टिव, हाँ डिस्क्रिप्टिव की अगर हमने बात करें तो हमने कब सेशन लिया था तुम लोग बताओ, डे बिफोर यस्टरडे, है ना, डे बिफोर यस्टरडे, यानी कि हमने कब सेशन लिया था, वेंसडे को, वेंसडे को एक सेशन लिया था, ठीक है, जहां पर हमने आप लोगों को, हाँ वन थिंग मोर, जहां पर हमने आप लोगों को बेहतरीन तरीके से लिखना बताया था, फॉर्मेट बताया था, जिन्होंने नहीं देखा था वो देख लेंगे। इसके अलावा हम मंडे को सेशन लेंगे स्टूडेंट, जहां पर हम आप लोगों को बिल्कुल परेशान नहीं होना, मंडे को लेंगे सेशन, सुनना, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के सैंपल कैसे लिखना है, इनफैक्ट वो आपको याद करके एग्जाम में जाना होगा, जितने सैंपल देंगे हम एसे के भी देंगे सैंपल, और लेटर तो बता दिया है, और लेटर के भी सैंपल दे देंगे, पीडीएफ दे देंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना, एग्जाम में रट के जाना है, बिना रटे नहीं जाना है, ठीक। चलो स्टूडेंट्स ने आंसर देना शुरू कर दिया, बहुत सारे लोग दे चुके थे, प्रीतम कुमार ने कहा है यहाँ पर सी और एफ आंसर होना चाहिए, बहुत बढ़िया आंसर दिया है, और देखिए क्या विच न्यूज़पेपर बेटर रहेगा मीतू बोरंग, सच बताएं जो तुम्हें अच्छा लगे, पढ़ना शुरू करो, पहले पढ़ना शुरू करो। मैंडरिन्स का मीन्स क्या होता है, इसका मतलब होता है ऑफिशियल, मैंडरिन्स इसी में दिया गया ना, हाँ अब तो कर ही लोगे, है ना, इकोनॉमिक अब तो कर ही लोगे, अब तो तुम लोगों का हो ही जाएगा, इकोनॉमिक क्या होना चाहिए, लोकेशियस जो बहुत ज़्यादा बात करते हैं, जल्दी से अच्छा बताओ, बहुत ज़्यादा हमने बातें आज कर ली, जल्दी जल्दी बताओ एक बार तुम लोग फिर से, कॉमेंट सेक्शन की तरफ मेरी नज़रें हैं। देखो पहला वाला लिखा हुआ है जिस इरेसिबल, इसका मतलब होता है चिड़चिड़ा, ऐसा मनुष्य जो क्या हो, मतलब मनुष्य कोई भी जो चिड़चिड़ा हो, जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता हो, एंगर जिसको आ जाता हो, उसके लिए हम क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं, इरेसिबल, हैविंग और शोइंग अ टेंडेंसी ऑफ जो क्या हो जाए, ईजिली एंगर, एंग्री हो जाए, ईजिली क्या हो जाए, एंग्री हो जाए, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं। मोनोलॉग का मतलब होता है जो एक जैसा भाषण देते रहते हैं, बोरिंग भाषण देते रहते हैं, उसके लिए क्या होता है, मोनोलॉग होता है, जिसे कह सकते हैं अ लॉन्ग टीडियस स्पीच, अ लॉन्ग बोरिंग स्पीच, टीडियस और आसान से लिख देते हैं, बोरिंग क्या होता है, स्पीच होती है, ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं आई। मैलिस का मतलब क्या होता है, अ जनरल फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट, अ जनरल फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट, फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट, ठीक है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, आई होप तुम लोगों को समझ में आ रही है, कोई क्वेश्चन हो तो पूछते रहोगे, अ फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट इसका मतलब होता है, आगे बढ़े, इजली अनॉयड, हाँ इजली अनॉयड, नम्रता, ठीक, वेरी गुड। अब चलो यहाँ पर देखो डिस्कम्फर्ट हो गया, अब नेक्स्ट लिखा हुआ लोकेशियस, लोकेशियस का मतलब क्या होता है, जो बहुत ज्यादा क्या करता हो, बात करता हो, कॉन्स्टर्नेशन, लोकेशियस का मतलब लिखने की जरूरत तो नहीं, आई होप सो, बहुत ज्यादा क्या करता हो, लिख देते हैं अच्छा टॉकेटिव, जिससे आप लोग स्क्रीन शॉट ले लोगे, जो क्या हो बहुत ज्यादा क्या हो, टॉकेटिव हो, इसका मतलब होता है अ फीलिंग ऑफ एंग्जाइटी, कॉन्स्टर्नेशन का मतलब क्या होता है, फीलिंग ऑफ एंग्जाइटी स्ट्रेस, ठीक है, अ फीलिंग ऑफ एंग्जाइटी स्ट्रेस। अगर हम बात करें मैंडरिन्स की, तो भैया मैंडरिन्स का मतलब क्या होता है, ऑफिशियल होता है, मैंडरिन्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ऑफिशियल्स, अब बताओ ऑफिशियल्स कहाँ पर आ सकता है। इकोनॉमिक, अगर हम देखो यहाँ पर लिखा है लोकेशियस बातूना, कॉन्स्टर्नेशन का मतलब क्या होता है, फीलिंग ऑफ एंग्जाइटी, और लास्ट लिखा हुआ है ऑफिशियल्स, तो अब यहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ है विद द वर्ल्ड बैंक लार्जली इकोइंग विद व्हाट द सेंटर्स इकोनॉमिक officials have been saying, centers economy कौन कहेगा, officials, mandarins यानी officials, officials has been saying that this is cyclical slowdown exacerbated by global influences, यानी हम यू कह सकते हैं यहाँ पर mandarins हमारा आएगा ही आएगा, यानी कि option number देख लो यहाँ पर F लिखा हुआ है, F तो होना ही होना है, अब बता दो तुम लोग AF होगा या CF होगा, जल्दी जल्दी से बता दो क्या होने वाला है, इसका मतलब यहाँ पर लिख देते हैं, मेलाइस का मतलब क्या होता है, ट्रबल होता है, ठीक है, जल्दी से बता दो, एंग्जाइटी या ट्रबल होता है इसका मतलब, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, द ओनली सिग्निफिकेंट इश्यू ऑफ डिबेट इज ओवर द कॉज ऑफ ट्रबल विद द वर्ल्ड बैंक लार्जली इक्वइंग विद व्हाट द सेंटर्स इकोनॉमिक
ऑफिशियल्स क्या कह रहे हैं, ऑफिशियल्स हैव बीन यानी मैंडरिन्स हैव बीन सेइंग, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए जल्दी से बता दो, यहाँ पर क्या होना चाहिए, मैलेस होना चाहिए, यानी कि सी और एफ, यानी ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर, जो करेक्ट होगा, जिन्होंने डी बताया है, हाय कितना खुश हो रहे हो तुम लोग, पता नहीं अंधी में बता दिया क्या रियल में बताया था, आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखो समय कम है, हमको पता है समय कम है, होमवर्क मजा आ जाएगा ये क्वेश्चन सॉल्व करके, मजा ना आए तो बिल्कुल समझ जाओ। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए हमने बनाया है स्टूडेंट्स, अब आपको करना क्या है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, मजा आने वाला है इसको सॉल्व करके आप लोगों को। स्टूडेंट्स लिखा क्या हुआ है, गिवन बिलो आर फोर सेंटेंसेस विच आर डिवाइडेड इनटू सेवरल पार्ट्स, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस स्टेटमेंट, यानी पहला वाला ए सेंटेंस लिखा हुआ है, फिर ये लिखा हुआ है बी, फिर ये लिखा हुआ है सी, फिर लिखा हुआ है डी और फिर लिखा हुआ है ई। आप लोगों को ये अलग अलग लिखा हुआ है, इन सबको अरेंज करना है, क्या करना है, टेक्निकल टीम वापस स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट ले लो टेक्निकल टीम वापस स्क्रीन पर, ठीक है, गॉट इट, इतनी बात समझ में आ गई, व्हाट यू हैव टू डू, स्क्रीनशॉट लेना है, बिलीव मी स्टूडेंट्स उन लोगों से हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए फ्रेम कर रहे हैं, रिक्वेस्ट है, हर एक क्वेश्चन मन नहीं होगा सॉल्व करने का, कभी मन नहीं होगा सॉल्व करने का, मगर एक बात मान लो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कर लेना यार, जरूर सॉल्व कर लेना ये क्वेश्चन, एग्जाम में दिस विल गोइंग टू हेल्प यू, कम समय में बिल्कुल आराम से, ऐसा मतलब सोचना कि हम एग्जाम में सॉल्व कर रहे हैं, जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करना। अब इस पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया बनाया है, रीअरेंज द गिवन फोर सेंटेंसेस इनटू द प्रॉपर सीक्वेंस टू फॉर्म अ मीनिंगफुल पैराग्राफ एंड ऑल्सो चूज द वन विच डज नॉट मैच द थीम ऑफ द पैसेज सो फार, इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। आई रिपीट माई थिंग, अगर हम जो आप लोगों को लेवल के क्वेश्चंस करवा रहे हैं ना बेटा, डेली क्वेश्चन सॉल्व करो, डेली सेशन देखो, जो हम पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे एक एक क्वेश्चंस लगा के जाना, इससे हाई लेवल नहीं आएगा, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, तुम लोगों को मजा आ जाएगा डेली क्वेश्चन सॉल्व करोगे। पीडीएफ कहाँ मिलता है यार, पीडीएफ कमेंट सेक्शन में आज नहीं मिलेगा क्योंकि 11 बजने वाले ना सब जा चुके होते हैं, तो सुबह पीडीएफ आप लोगों को मिल जाती है, अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस वाले क्वेश्चन का भी, आगे और मजा आने वाली, घबराओ नहीं, सब मेहनत कर रहे हैं तुम लोगों के लिए हम। ये क्वेश्चन यहाँ पर पहले क्या करना पड़ेगा, बैठ के अरेंज करना पड़ेगा, एक एक को क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा, फिर आपको पढ़ना मतलब अरेंज करोगे तो पढ़ ही लोगे, फिर आपको बताना पड़ेगा भैया इसमें से ऐसा कौन सा है जो थीम से बाहर है, ठीक है, आई बात समझ, विट डज नॉट थीम, अगर ये क्वेश्चन अच्छा लगा है तो फटाफट से पहले लाइक करो, अभी आगे और भी तुम लोगों को हम देंगे। मैम प्लीज गिव वन ऐसे टॉपिक, बरखा अभी तक की हमने आप लोगों को एसे के लिए, सॉरी एसे के लिए क्या बोलते हैं, लेटर्स के टॉपिक दे दिए, अगर वाला सेशन नहीं देखा तो बेटा प्लीज देख लेना, लेटर्स के हमने टॉपिक दे दिए, उनकी प्रैक्टिस करना है, एसे के हम टॉपिक दे रहे थे, हमने कुछ दिन एसे की प्रैक्टिस करवा दिए, अब लेटर की प्रैक्टिस करवा देंगे, मंडे को आप लोगों को टॉपिक्स मिल जाएंगे, और बताओ क्या चाहिए, मंडे को आप लोगों को क्या मिल जाएंगे, टॉपिक्स मिल जाएंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, मंडे को टॉपिक्स मिलेंगे, ठीक है, सैटरडे संडे को नहीं मिलेंगे, मंडे को टॉपिक्स मिलेंगे, ठीक है, गॉट इट, अगर मजा आया है तो जल्दी से बताओ हाँ कि मजा आया है, कमेंट सेक्शन में करके बताना, अगर तुम लोगों को मेहनत अच्छी लग रही है क्योंकि आप लोगों के लिए क्वेश्चंस फ्रेम करें, अगर अच्छा लग रहा है तो जरूर बताना, और तुम लोग सजेशंस दे सकते हो कि मैम ये कर दीजिए, ये कर दीजिए, और बहुत से स्टूडेंट्स ने कहा था, कृतिका ने भी कहा था कि क्या करवा दो, कनेक्टर्स और स्टार्टर्स करवा दो, तो ट्यूजडे को जैसा जैसा कहते रहोगे ना आप लोग वैसा वैसा हम लोग करेंगे। नम्रता ने या कृतिका ने कहा था, अच्छे बच्चे हैं ये लोग, इन्होंने क्या कहा था, करवा दो स्टार्टर्स और कनेक्टर्स, तो ट्यूसडे की क्लास में हम स्टार्टर्स और कनेक्टर्स करवा देंगे, मंडे को डिस्क्रिप्टिव रहेगा और ट्यूसडे को स्टार्टर्स और कनेक्टर्स रहेगा, बेहतरीन लेवल का रहेगा जैसा एग्जाम में आएगा, हर एक सेशन देखना है, ठीक है, तो ये जो सेशन है डेडिकेटेड पूरा हमने बनाया है किसके लिए, अभी सेशन खत्म नहीं हुआ है, अभी क्वेश्चंस फ्रॉम वर्ड यूसेज से भी हैं, बढ़िया मजा आने वाला है आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, जो भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो टेस्ट सीरीज यानी टेस्ट नहीं दे रहे हैं, उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि भैया IBPS PO मेंस 399 है, अगर कूपन कोड Y180 लगा दोगे ना तो 50% ऑफ मिल जाएगा। विजिट कहाँ करना है, store.adda247.com पर, जितने नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, ये तीन काम करने को हम लगातार बोलते हैं, स्क्रीन पर रखो वापस हमको यार, स्क्रीन से मत हटाओ यार, हमने क्या बोला है, लगातार आप लोगों को क्या करना है स्टूडेंट्स, टेस्ट सीरीज देनी है,
तो टेस्ट सीरीज कौन सी देनी है आपको, जो भी अच्छी लगे। प्राइम यार 25 टेस्ट टोटल मिल रहे, 12 मंथ की वैलिडिटी है, ठीक है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ये यार कॉम्बो ले लो, कुछ भी ले लो, मतलब कोई भी टेस्ट सीरीज ले लो, टेस्ट सीरीज जरूर दो। जैसे कि ये वाला कॉम्बो टेस्ट सीरीज बैंक इंश्योरेंस की चल रही है, ये 3000 की चल रही है, 3000 की चल रही है। बैंक भी है, इंश्योरेंस भी है, एसएससी भी है, रेलवे भी है, सब इसमें है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये जनरल अवेयरनेस 1999 है, 50% लगा दोगे 100 रुपये में, 100 रुपये में हमारी जान नहीं चली जाएगी। जब सिलेक्शन हो जाए, जब मिलने के लिए आना, तो हम 100 रुपये दे देंगे, आज से हम लोग खरीद लो, प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चंस फ्रॉम वर्ड यूसेज की बात करते हैं, बहुत बेहतरीन ये भी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हैं। करना क्या है, आई विल एक्सप्लेन। एक बार इनका स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लो, जल्दी से लो, ले लिया। चलो अब देखो यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर दो वर्ड्स लिखे हुए हैं आप लोगों को, क्या लिखे हुए यहाँ पर, दो वर्ड्स लिखे हुए, बढ़िया हाई लेवल है, इससे बाहर नहीं आएगा एग्जाम में, इस तरीके क्वेश्चंस लगा के चले जाओ, यही लेवल एग्जाम में रहेगा आप लोगों का, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए आप लोगों को, ए और बी लिखा हुआ है, आप लोगों को बताना है कौन सा करेक्ट है। हमने स्टूडेंट्स आंसर इसलिए दे दिए कि बाय चांस अगर आप नेक्स्ट सेशन नहीं देख पाओ, इनका एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, तो यानी कि हमको देखना पड़ेगा मंडे को इनका जो ये सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं, या तुम लोग हम लोग को कमेंट करके बता देना कि मंडे को डिस्क्रिप्टिव चाहिए है, जैसा आप लोग कहोगे, जितने ज्यादा स्टूडेंट जिसकी तरफ होंगे वही करेंगे, डिस्क्रिप्टिव चाहिए या इन क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन चाहिए, इन क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन चाहिए। वैसे हम चाहते थे एक्सप्लेनेशन, मगर डिस्क्रिप्टिव भी इंपॉर्टेंट है ऑन योर डिमांड। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका हमने आंसर्स भी दे दिए, मगर एक्सप्लेनेशन भी बहुत जरूरी है, हमने सब लिख दिया है, बट आई वांट टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चंस क्योंकि हाई लेवल के हैं। ये देखो ये दूसरा क्वेश्चन है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, आज आराम से सॉल्व कर लेना, ले लिया स्क्रीनशॉट, ये इसका एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लो, डिस्क्रिप्टिव दोनों, यहाँ पर नहीं बताओ प्लीज, कमेंट सेक्शन में बता देना, यहाँ पर हम पढ़ नहीं पाएंगे कमेंट्स जल्दी जल्दी, ठीक है। इसका भी हमने एक्सप्लेनेशन दे दिया है आप लोगों को, हर एक चीज एक्सप्लेन करी है। नेक्स्ट ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया लेवल है, मजा आ जाएगा आप लोगों के लिए बनाए हैं क्वेश्चन, पढ़ना घर में जाके करना, तो लाइव सेशन में आप लोग क्वेश्चन पूछ पाओगे, बढ़िया रहेगा, है ना। ये देखो सब क्वेश्चन तुम लोगों के लिए हमने बनाए हैं, ठीक है यहाँ पर, और ऐसी उम्मीद करते हैं कि तुम लोगों को सेशन जो ये हमने क्वेश्चंस बनाए हैं स्टूडेंट्स, शायद आप लोगों को जरूर अच्छे लगे होंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए मिल रहे हैं, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा, हम सब कमेंट्स कंसिडर करेंगे, जो मेजॉरिटी होती है और हम जो समझ रहे हैं क्या इंपॉर्टेंट है उस चीज को मद्देनजर में रखते हुए हम आगे के सेशंस लेते रहेंगे, बिल्कुल आप लोगों को परेशान नहीं होना, मगर अपने वैल्यूएबल सजेशंस जरूर देने, क्योंकि 29 नवंबर तक की हमको और आपको दोनों को इक्वली मेहनत करनी है, क्योंकि सिलेक्शन लेना है, दूसरों से अलग बनना है आप लोगों को, ठीक है। तो स्टूडेंट्स कॉमेंट सेक्शन में जाके आंसर जरूर दे दीजिएगा, और सेशन में अगर आप लोगों को अच्छे लगे क्वेश्चंस का अगर लेवल अच्छा लगा है, वाकई मेंस वाला लेवल लगा है, तो स्टूडेंट सेशन को जरूर शेयर करना, और हमारे चैनल को अगर आप नए जुड़े हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे कौन कौन से स्टूडेंट्स जो नए जुड़े हैं वो जरूर प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्वेश्चंस का लेवल अच्छा लगा है तो जरूर कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा, यहां पर नहीं कमेंट सेक्शन में जाके बताना है कि हाँ हमको सेशन अच्छा लगा है, और अपने वैल्यूएबल सजेशन जरूर देने हैं। और थैंक यू एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, लॉट्स ऑफ लव टू यू गाइस, कल मिलते हैं हम लोग, कल तो सैटरडे है, कल नहीं मिलेंगे ना, अब हम लोग मिलेंगे संडे को और मंडे को, मंडे को तो मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, कल मेरी कोई भी लेक्चर नहीं है, ठीक है, आराम से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस है। आई टेक अलविदा, थैंक यू एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। क्या आप IBPS के थ्रू बैंक में लॉ ऑफिसर या राजभाषा अधिकारी बनना चाहते हैं? तो ज्वाइन कीजिए हमारे साथ IBPS SO प्रीलिम्स का बैच, जिसमें आपको मिलेगा 45 प्लस आवर्स की ऑनलाइन लाइव क्लासेस, 500 प्लस क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट, हर रोज क्लासेस के PDF, और आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी इन केस यू मिस दोस क्लासेस। तो इस बैच से जुड़ने के लिए विजिट करें store.adda247.com। क्या आप IBPS के थ्रू बैंक में IT, मार्केटिंग, HR, एग्रीकल्चर की पोस्ट पाना चाहते हैं? तो करें तैयारी Adda247 के साथ, हम लेके आ रहे हैं आपके लिए IBPS SO प्रीलिम्स का एक नया बैच, जिसमें आपको मिलेंगे 45 प्लस आवर्स की ऑनलाइन लाइव क्लासेस, 500 प्लस क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट, हर क्लास की PDF, और रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको मिलेंगे इन केस यू मिस दोस क्लासेस। तो ज्वाइन करें हमारे साथ IBPS SO प्रीलिम्स का बैच।